तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को चेन्नई के दौरे पर रहेंगे, जहां दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी वो दिखाएंगे। चेन्नई से नागरकोइल और मदुरई से बेंगलुरु सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो वहीं एमजीआर चेन्नई सेंट्रल में एक समारोह में भी शामिल होंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री बेसिन ब्रिज में बीवी रखरखाव डिपो की नींव भी रखेंगे और अरलवाई मोझी नागरकोइल और मिलापलायम तिरुनेलवेली मार्ग दोहरीकरण कार्य का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मदुरई से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब आपको बताते हैं संसद सत्र को लेकर एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई जानकारी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के नेता ललन सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, चिराग पासवान बैठक में मौजूद रहे। 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र को लेकर एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई उससे जुड़ी हुई अपडेट आपको दे दें कि लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक, 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र को लेकर ये बैठक हुई और खासतौर पर अब क्योंकि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी तस्वीर आना शीर्ष है, नाम कई सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर कौन होंगे, साथ ही डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में हुई आतंकी घटनाओं के बाद अब मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान गृह मंत्री ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल सफलताओं को जम्मू संभाग में भी दोहराएं। गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी सरकार नए नए तरीकों से आतंकवादियों पर नकेल कसकर एक मिसाल कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान अमित शाह के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे, सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल भी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर दिल्ली से है। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। दरअसल 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, साथ ही किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रेरणा स्थल बनने के बाद महापुरुषों क्रांतिकारियों की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी और ये एक स्थान की भांति होगा। भारत की लोकतांत्रिक विरासत की सभी को जानकारी मिलने के लिए यहाँ पर जाया जा सकेगा। इसके बाद में आसानी से उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी भी ली जा सकेगी। प्रेरणा स्थल में आकर प्रेरणा मिली है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है और ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। इस सोच को मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य मानता हूँ। एक जगह महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व है, कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहाँ देखा है। आज महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने इस प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। इस प्रेरणा स्थल पर हमारे महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक संस्कृति के पुनः जागरण करने वाले महापुरुषों को की सभी प्रतिमाओं को एक स्थान पर इसको लाकर सम्मानपूर्ण तरीके से
ताकि एक प्रेरणा स्थल पर जो आने वाले आगंतुक हैं, आने वाले आगंतुक इस प्रेरणा स्थल पर आएंगे, महापुरुष, क्रांतिकारियों, सांस्कृतिक आध्यात्मिक के पुनर्जागरण और जिन्होंने इतिहास में भारत का गौरव बढ़ाया है, उन सब के बारे में वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी जाने किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, किस तरीके से उन्होंने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक भारत के नए युग की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों से लोगों को प्रेरणा मिलती है ताकि वो भी देश और राष्ट्र के लिए करें। मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये जो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, ये देखिए बहुत ऐसा स्थान बना है जहाँ से भावी पीढ़ी भी प्रेरणा ले सकती है और एक साथ सभी महापुरुषों के दर्शन कर सकती है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के विकास में योगदान दिया, देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया, देश के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में जिन्होंने योगदान दिया। ऐसे सभी महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं यहाँ लगी हुई आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी जी से लेकर के, महात्मा फूले से लेकर के, महाराणा प्रताप से लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर के, सबकी मूर्तियां यहाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय की मूर्ति भी हमने अभी यहाँ देखी। और आप देखते हैं कि कई ऐसे MP रहे होंगे जिनके 5 साल निकल गए होंगे, उन्होंने सारी मूर्तियां नहीं देखी होंगी। ये प्रेरणा स्थल में MP जो आएंगे नए उनके लिए भी सुविधा है और जो विजिट करने आएंगे, संसद भवन को विजिट करने आएंगे, उनके लिए भी ये सुविधा है कि उनकी जीवनी के बारे में QR कोड के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। और स्थान बहुत सुंदर बना है और यहाँ आने के बाद भी ऐसा लगता है कि ऐसे स्थान की आवश्यकता थी। सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर साहब को, पूरे लोकसभा सेक्रेटरीट को अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतना अच्छा सोच के साथ प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, वरना तो कई MP ऐसे हैं उनको ही मालूम नहीं होता है कि यहाँ कितने महान आत्माओं का यहाँ मूर्तियाँ लगा हुआ है। सांसदों को भी पूरा पता नहीं चलता था। अब एक प्रेरणा स्थल पर सारा मूर्तियों को रखने से हमारे वो महान भारतीयों ने, महान हमारे जो क्रांतिकारियों ने और जितने भी जो हमारा देश को, भारत देश को बनाने में योगदान किया, इतने महान आत्माओं का हम जो सम्मान दिल में करते हैं, अब साक्षात मूर्ति सामने में देखेंगे तो इसमें दर्शन भी हो जाएगा और प्रेरणा भी मिलेगा, दोनों है। इसलिए एक स्थल पर, एक जगह पर हमारा इतने बहुत खूबसूरत से बनाया गया मूर्तियों का लगाना, ये लोकसभा सचिवालय का बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय लोकसभा स्पीकर का धन्यवाद करता हूँ। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्रप्रयाग घायलों के मरीजों और उनके परिजनों से मिलने के लिए एम्स ऋषिकेश का दौरा भी किया, जहां CM योगी ने हादसे के घायलों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वही इसी के साथ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी माँ से भी मुलाकात की। उन्होंने माँ का हालचाल जाना और डॉक्टर्स से उनके स्वास्थ्य के संबंध में भी जानकारी ली। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसे के घायलों के साथ तो मुलाकात की ही CM योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन जब उसी अस्पताल में भर्ती अपनी मां से भी भेंट वो करने पहुंचे तो ये तस्वीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ख़ास इसलिए हो जाती है क्योंकि कहने को तो वो योगी है लेकिन मां के सामने एक जो मुस्कुराहट उनके सामने आई वो बिल्कुल वैसी ही थी और देखते ही बन पड़ रहा था कि इंसान बाकी सबसे अलग है। इसीलिए क्योंकि सामने माँ और माँ से मुलाकात के लिए जब पहुंचे, डॉक्टर्स जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं उनसे भी जानकारी ली और माँ के साथ में एक भावनात्मक मुलाकात उनकी ये अस्पताल में रही।
तो वही जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज का रेलवे अधिकारियों ने व्यापक निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वैगन टावर रिसाई स्टेशन तक पहुंच गया है। हमें खुशी और गर्व है कि हम सफल हुए। मजदूर और इंजीनियर लंबे समय से इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, उन्हें आखिरकार सफलता हासिल हुई है। इस पुल पर जल्द ही रेल सेवा भी शुरू हो जाएगी। तो वही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए लिखा, चिनाब ब्रिज को पार करने सहित संगलदान से रियासी तक पहली ट्रायल ट्रेन सफलतापूर्वक चलाई गई है। USBRL के लिए सभी निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, सिर्फ सुरंग नंबर एक का काम आंशिक रूप से अधूरा है। चिनाब ब्रिज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भूकंप के झटकों और ब्लास्ट को भी झेलने की क्षमता ये रखता है। ब्रिज को स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया गया है। ब्रिज -10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वालों को अब पानी की बर्बादी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर लोग पानी की लीकेज की समस्या से बेहद परेशान हैं। तो वह इस मामले में सियासत भी जमकर चल रही है। दरअसल दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर केजरीवाल सरकार पर BJP ही हमलावर है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद कमलजीत सहरावत और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नजफगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया और मटके फोड़कर आक्रोश भी जाहिर किया। Every single day, I get calls from my constituency. Every single day, I have to incessantly put pressure and keep on requesting officials of the Delhi Jal Board to send tanker and send make sure that water is available to the people. People of Delhi are in a dire need. But what do I say? कहते हैं ना नियत हो तो नीति भी बदलती है। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। तो वही दिल्ली में पेयजल को बचे लेकर मचे बवाल के बीच टैंकर माफिया की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। तो वही पुलिस के जवानों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों का निरीक्षण किया। SI लोकेंद्र सिरोही ने कहा कि यहाँ कोई लीकेज नहीं है, अगर कोई लीकेज होगी तो हम जल बोर्ड और अपने कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। पानी की पाइपलाइन की सिक्योरिटी कर रहे हैं? यस हाँ। क्या कुछ देख रहे हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है या फिर चोरी तो नहीं कर रहा कोई? लीकेज देख रहे हैं कहीं चोरी तो नहीं हो रही, लीकेज कोई नहीं है वैसे। अच्छा, ये कौन सा एरिया पड़ता है आपका? ये है जमुना खादर, पांचवा पुस्ता जमुना खादर। तो अगर आपको इस तरह से कुछ मिलता है तो क्या सीधा दिल्ली जल बोर्ड को? दिल्ली जल बोर्ड को करेंगे, अपने कंट्रोल रूम को बताएंगे और दिल्ली जल बोर्ड। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। राउंड द क्लॉक आप लोग इस तरह से? हाँ, राउंड द क्लॉक चलती है। गाड़ी से ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं? गाड़ी से ही पेट्रोलिंग करते देखते रहते हैं। पंचधातु से निर्मित 1.5 टन वजनी हनुमान गदा और 1 टन का धनुष दो राम रथों के जरिए अयोध्या पहुंचा। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इन्हें राम मंदिर के लिए स्वीकार कर लिया है। सिरोही के शिवगंज से आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर की देखरेख में गदा और धनुष वाले रथ अयोध्या धाम पहुंचे। इनको श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय और राजस्थान विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री राजाराम ने केसरिया झंडी दिखाकर शिवगंज से प्रस्थान करवाया था। इसके बाद अयोध्या पहुंचने पर आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर ने गदा और धनुष पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर उन्हें सौंप दिए। तो वही देशभर में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर गंगा दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथ इसी दिन गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तभी से गंगा दशहरे पर मां गंगा की पूजा और इसमें आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन गंगा में स्नान करना और दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। हरिद्वार के हर की पौड़ी, प्रयागराज के त्रिवेणी घाट, अयोध्या के सरयू घाट और वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। Thank you.
चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।